नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये गेट 2007 के लिए 2 मार्क्स में पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, बड़े ध्यान समझिएगा। इसने कहा कि एक डायपोल है जो कि लेमडा बाई 4 डिस्टेंस पे, लेमडा नॉट बाई 4 बोल दीजिए, जो हाफ वेव डायपोल है वो लेमडा बाई 4 डिस्टेंस पे परफेक्टली ग्राउंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। तो आपको पता है मोनोपोल में भी ऐसे काम करते हैं हम। तो इससे क्या होता है कि अगर ये परफेक्टली ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है तो उसकी वजह से एक इसका इमेज बन जाएगा, एक नया एंटीना मिल जाएगा आपको, तो वो अपने आप में इस तरह से कर रहा होगा और ये दोनों एंटीना मिलकर काम कर रहे होंगे। और कहाँ मिलेगा वो, लेमडा बाई 4 डिस्टेंस नीचे मिलेगा। गुड, तो हमारे लिए अब तरह से एक सिंगल एंटीना नहीं रहा, अब हमारे लिए एक तरह से एंटीना अरे हो गया जिसमें 2 एंटीना है। और एंटीना अरे के अंदर हमको पता है कि अब हमें जो भी रेडिएशन पैटर्न निकालना होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो रेडिएशन पैटर्न निकाला जाता है हमेशा ग्रुप पैटर्न इंटू यूनिट पैटर्न से। पहले तो आपका जो एंटीनाज आ रहे हैं उनका ग्रुप पैटर्न निकालेंगे, और सिंगल एंटीना की वजह से जो यूनिट पैटर्न बनता है वो क्या होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल पैटर्न मिलता है। बट मोस्टली लोग मैं देखता हूँ कि हमेशा ग्रुप पैटर्न बना देते हैं। लकीली वो आंसर सही होते हैं, क्योंकि जनरली अगर वो मल्टीप्लाई भी करेंगे यूनिट पैटर्न को तो वो शेप जो उनके पास आ रही है वो थोड़ा सा स्लिम होकर पतली हो जाती है, वहाँ पर जो लोब्स मिल रहे हैं वो थोड़े से पतले हो जाते हैं, लेकिन लगभग शेप वही रहता है। इसलिए ऑप्शन के अंदर आपको आसानी रहती है और वो इतने पचड़े में नहीं फंस जाते यूनिट पैटर्न के अंदर, तो ठीक है। बट फिलहाल मेरे से अगर आप पूछें तो मुझे लगता है दोनों पैटर्न को मल्टीप्लाई करके ही बनाना चाहिए। बट हम चाहें तो यहाँ पर भी मैं ग्रुप पैटर्न का ही फॉर्मूला बना देता हूँ, तो ग्रुप पैटर्न से आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप यूनिट पैटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर वही रहेगा। बट फिलहाल मैं पहले तो ये बताता हूँ कि मेन चीज़ जो होती है वो होती है अरे फैक्टर के थ्रू ग्रुप पैटर्न बनाना। जो ग्रुप पैटर्न होता है वो किससे बनता है, वो टोटल फील्ड जो मिल रहे हैं नॉर्मलाइज विद ई नोट के साथ जो हमें अरे फैक्टर मिलता है वो हमारा कहलाता है ग्रुप पैटर्न। तो हम वो बनाते हैं। अब ग्रुप पैटर्न का मतलब बस यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है तो आपको पता है अरे फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अरे फैक्टर का फॉर्मूला होता है सर मेरे पास 2 cos psi/2। आपको पता भी है तो याद होना चाहिए, साइन एन साई बाई 2/sin psi/2 में एन की वैल्यू 2 है तो आपको क्या मिलता है अरे फैक्टर 2 cos psi/2। अच्छा तो बस ठीक है, एन की वैल्यू 2 है। अब हमें जो साई होता है, इस साई के अंदर क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, साई इक्वल्स टू होता है सर α+β d cos φ। इसके अंदर मुझे चाहिए एक तो अल्फा, अल्फा कितना है, तो सर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है पाई, क्योंकि यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज जा रहे होंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जा रहे होंगे, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जा रहे होंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो वेव्स बन रही होगी यहाँ पर जैसे जो हम फीड कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर जब पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे होंगे जो साइनसोइडल वेव में दे रहा हूँगा, तो उस टाइम में जब पॉजिटिव चार्ज जा रहे होंगे तो यहाँ नेगेटिव होंगे, जब यहाँ नेगेटिव होंगे तो यहाँ पॉजिटिव होंगे, विच मीन्स यहाँ पर जो भी करंट होगी उसकी अपोजिट करंट यहाँ होगी। कितने फेज शिफ्ट पे होगी, पाई फेज शिफ्ट पे, जस्ट अपोजिट, तभी आपका ईएमएफ जनरेट होगी। ईएमएफ जनरेट कैसे होती है, जब टाइम के साथ वेरी कर रहा हो आपका फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होती है। उसके लिए जो आपको फीड करनी पड़ती है करंट, वो जो चेंज जिससे यहाँ पे जो चार्ज आ रहे होंगे इसमें, जिस तरह से चार्ज ऊपर नीचे जिसमें से आप फ्लो करवा रहे होंगे उसी तरह से उसका अपोजिट यहाँ पे हो रहा होगा। तो मैं ओवरऑल देखूँ तो करंट के अंदर मुझे फेज शिफ्ट चाहिए, कि करंट के अंदर जो प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट है वो कितना है, अल्फा वही होता है, तो वो पाई का होना चाहिए। जब यहाँ पर जो आपके साथ पॉजिटिव में हो रहा था तो यहाँ पे नेगेटिव में रहोगा, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो होगी, ये समझना था आपको, पाई है। तो ये जो परफेक्टली ग्राउंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है इसको मैंने फाइनली अरे पैटर्न के अंदर डाला, तो उसमें मेरे को अल्फा की वैल्यू यहाँ मिल रही है पाई, एन की वैल्यू मेरे को मिल रही है 2, और डिस्टेंस जो मेरे को मिल रही है वो कितनी है। अच्छा एक और गलती हो गई, यहाँ पर लेमड़ा बाई 2 डिस्टेंस पे है ये दोनों, कितने डिस्टेंस पे, लेमड़ा बाई 2 डिस्टेंस पे, लेमड़ा बाई 4 पे नहीं है, लेमड़ा बाई 2 डिस्टेंस बोला, परफेक्ट ग्राउंड के ऊपर लेमड़ा बाई 2 डिस्टेंस पे, तो नीचे भी लेमड़ा बाई 2 डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इन दोनों एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इन दोनों एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस होगी लैम्बडा। तो एन की वैल्यू 2 थी, अल्फा की वैल्यू पाई थी, और डिस्टेंस थी आपके लैम्बडा। नाउ अब बस बचा क्या, अब आपको निकालना क्या है, मेरे को निकालना है सर हमेशा फाई। अरे फैक्टर के क्वेश्चन में क्या निकालते हैं हम, जब भी हम पैटर्न बनाते हैं तो हम अरे फैक्टर का जो पैटर्न बनाते हैं तो हमको बस ये देखना होता है कि मेन लोब कहाँ मिल रही है, नल्स कहाँ मिल रहे हैं, स्पेशली अगर आपके पास एलिमेंट 2 ही है तो। अगर आपके पास एलिमेंट 2 से ज़्यादा है तो आप फिर सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा पर भी जाते हो, उसके लिए डिफरेंस भी करना पड़ता है आपको, पर वो तभी काम आता है जब आपके पास एलिमेंट्स 4 हो। जैसे कन्वेंशन में पहले आया करता था 2002 के टाइम तक, तो गेट 2002 का जब कन्वेंशन पेपर हुआ करता था तब वहाँ पे काम करते थे, बट जनरली उसके बाद से सिर्फ 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं। अगर 2 ही एलिमेंट आते हैं तो बस आपको मैक्सिमा और मिनिमा ही निकालना है, कि फर्स्ट प्राइमरी मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ आ रहा है, जहाँ मैक्सिमा आ रहा होगा वहीं मेन लोब बन रहा होगा, उनमें से कौन सी शेप है ये। सेकेंड थिंग, अब जो मेरे को यहाँ से लोब्स मिलेंगे उसके अंदर भी मुझे बस परफेक्टली ग्राउंड के ऊपर प्लेन के ऊपर जो भी लोब्स है बस वही मुझे जानने हैं, वही मुझे दिख रहेंगे। ग्राउंड के नीचे जो है वो भले कॉपी पेन पे आ रहे होंगे पर रियल में प्रैक्टिकली वो उसको मैं बनाऊंगा नहीं, कि मुझे ग्राउंड के ऊपर ही जानने हैं। तो उनमें से जो 4 ऑप्शन है वो देखे, सबके अंदर ग्राउंड के ऊपर ही ऑप्शन में है, तो मुझे बस वही जानने। अब देखते हैं, शुरू करते हैं कि इसके अंदर वास्तव में शेप कैसे मिलना चाहिए। अगर मुझे पता है कि पाई की अल्फा की वैल्यू पाई है, डी की वैल्यू साई है, और डी की वैल्यू लैम्डा है, तो मुझे
पता है कि एरे फैक्टर कैसे मिलने वाला है, ग्रुप पैटर्न कैसे मिलने वाला है, तो देखते हैं इसको बनाते हैं कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर अब हम वापस लिखते हैं कि एरे फैक्टर है मेरे पास 2 cos psi/2, क्यों, सिंस एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, इसलिए एरे फैक्टर मेरे को ये मिलेगा। नाउ अब इसके अंदर भी हम बात करें तो साई क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा डी कोस फाई, अल्फ़ा प्लस बीटा डी कोस फाई बाई टू, अल्फ़ा कितना था यहाँ पे सर पाई, तो 2 cos π/2 प्लस बीटा है 2π/λ और डी है लेमड़ा, तो यहाँ पे ये बोल सकता हूँ सीधा पाई कोस फाई बोल लेता हूँ, सिर्फ क्या बचेगा पाई कोस फाई, बीटा है 2π/λ और डी है लेमड़ा, तो 2π बचेगा सिर्फ, 2π/2 करेंगे तो पाई कोस फाई बचेगा, तो नाउ cos π/2 यानी कि ये माइनस का 2 sin π cos π हो जाएगा, माइनस प्लस की हमें टेंशन है नहीं तो हम प्लस भी ले लें तो भी चलेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है मैग्नीट्यूड की मतलब है यहाँ पे, तो एरे फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, तो फाइनली हमें ये मिला। अब हमें यहाँ से कंडीशन लेते हैं, कौन कौन सी कंडीशन लेते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के लिए, केस वन मैक्सिमा कहाँ कहाँ आ रहा है, मैक्सिमा के टाइम में मुझे मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी एरे फैक्टर की, 2, कब मिलेगी वो, जब पाई कॉस फाई की वैल्यू क्या हो, पाई कॉस फाई की वैल्यू π/2 या -π/2 हो, इसका मतलब कॉस फाई की वैल्यू क्या हो, प्लस माइनस हाफ, कॉस फाई की वैल्यू प्लस माइनस हाफ होगी तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू प्लस 2, मेरे को जो 2 है वो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, यानी कि मैं अगर कॉस फाई की वैल्यू हाफ लेता हूँ तो sin π/2 1 होता है तो 2 मिल जाएगी, कॉस फाई की वैल्यू मैं माइनस हाफ भी लेता हूँ तो sin -π/2 माइनस होता है, माइनस से मेरे को मतलब ही नहीं, लेकिन मेरे को वैल्यू तो 2 ही देगा, इसलिए मुझे पता है कि सिर्फ कॉस फाई क्या चाहिए मेरे को, प्लस माइनस हाफ, इसकी वजह से फाई कितना मिलता है, तो सर मुझे बताया कि प्लस हाफ के लिए फाई मुझे मिलता है प्लस माइनस 60 डिग्री, और माइनस हाफ के लिए मुझे मिलता है प्लस माइनस 120 डिग्री, तो ये मेरे मैक्सिमा मुझे इन फाई पे मिल रहा होगा। मिनिमा कहाँ मुझे मिलेगा, तो मिनिमा के लिए मुझे करना होगा इसकी वैल्यू को 0, और ये 0 कब होगा, जब कोस फाई की वैल्यू है तो 0 हो जाए, या कोस फाई की वैल्यू 1 हो जाए, अच्छा तो कोस फाई की वैल्यू 0 हो जाए या कोस फाई की वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि कोस फाई की वैल्यू अगर 0 हो गई तो साइन 0 भी 0 होता है, कोस फाई की वैल्यू अगर 1 हो गई तो साइन पाई भी 0 होता है। नाउ इससे फाई क्या क्या मिल रहा है, इससे फाई मिल रहा है मेरे को 0, π, -1 भी चलता है यहाँ पर, और π/2 प्लस माइनस π/2, तो 0, π 1 और प्लस माइनस π/2 1, जब 0 देगा तो ये प्लस माइनस π/2 आएगा, और 1 देगा तो 0π आ जाएंगे, तो ये मिनिमा के हो गए। तो फाइनल शेप जो मुझे मिली वो शेप कैसे होगी, शेप ये होगी सर, जे अगर यहाँ पे एंटीना से दोनों एंटीना को मैं मिला रहा हूँ तो प्लस माइनस 60 डिग्री, प्लस माइनस 120 डिग्री, ये शेप को मिलेगी। और अगर आपको परफेक्टली ग्राउंड प्लेन के ऊपर ही देखना है तो इन दोनों शेप को आप हटा दीजिए, सिर्फ ऊपर वाली शेप मिलेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा बॉम्बे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये ग्रुप पैटर्न हुआ यूनिट पैटर्न से मल्टीप्लाई करने के बाद, अगर आपको इतना डिटेल में जाना है यूनिट पैटर्न से मल्टीप्लाई करना है तो देखिएगा, आपको चाहे वो 8 लोब्स की डिज़ाइन ऐसे मिले, हर्जन डायपोल लेते हैं जनरली, अगर हर्जन डायपोल ले तो, अगर हाफ वेव डायपोल लेंगे तभी आप देखना, हाफ वेव डायपोल का आप डायग्राम बनाएंगे तो जो भी आप शेप लेंगे वो शेप जो 8 के टाइप में होगी वो इस लोब्स को पतला कर देगी, इन दोनों के लोब्स को पतला कर देगी इधर, लेकिन लगभग फिर भी शेप तो वही होगी। आप जो कैंसिल आउट करेंगे तो जो इनका कॉमन पोर्शन है जहाँ 1:1, 1/2:1, 1/4, इस तरह से जो आप मल्टीप्लाई करते हुए लगभग एक रफ शेप बनाएंगे तब भी वो रफ शेप आपको यही मिलेगी। तो इसलिए जनरली लोग ग्रुप पैटर्न बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो जानते ही नहीं फिर इसलिए सिर्फ ग्रुप पैटर्न बनाते हैं, जो जानते हैं टाइम सेव कराते हैं तो वो लगभग देख सकते हैं, क्योंकि यूनिट पैटर्न भी एक्चुअल में ग्रुप पैटर्न से मल्टीप्लाई होता है तब जाके ओवरऑल रेडिएशन पैटर्न बनता है। तो फिलहाल यहाँ पे आपका आंसर सामने क्लियर है, आंसर है इसका बॉम्बे जो कि ये ऑप्शन है, तो यहाँ ये क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।